कभी कभी हम अपनी लाइफ से यूं ही खुद को निराश पाते हैं, जबकि ऐसे में हमारे अंदर बहुत सारी काबिलियत छिपी होती है जिसका हमें अंदाज भी नहीं होता। अगर हम अपने बुरे हालातों को पॉजिटिव लें तो, लेकिन आप कहेंगे ये कैसे संभव है उस समय भी पॉजिटिव रहना जब हमारे ऊपर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा हो। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल गलत सोचते हैं। हम चाहे कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हमारे सामने एक दरवाजा हमेशा हमारे लिए खुला होता है जो सक्सेस का ही रास्ता होता है, लेकिन निराश होकर हम खुद ही उसे बंद कर लेते हैं। ऐसे में जिंदगी का दूसरा पहलू हम देख ही नहीं पाते। अगर आप गौर से देखेंगे तो सभी सफल लोगों में एक कॉमन बात जरूर दिखेगी कि जो जितना अधिक सफल आज के समय में है उसने उतना ही अधिक स्ट्रगल अपनी बीती जिंदगी में कर रखा होता है, और उसकी यही मुश्किलें उसकी आने वाली जिंदगी की छोटी बड़ी परेशानियों का सामना करने की हिम्मत देती हैं। एक आम आदमी की कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमेरिका के ब्रुकलिन में जन्म लेने वाले टेड विलियम अपनी खराब आदतों और कमजोर फाइनेंशियल स्थिति के चलते सड़कों पर भीख मांगा करते थे, और नशे की अपनी बुरी आदत के कारण उन्हें 2 बार जेल की हवा भी खानी पड़ी। जेल से बाहर आने के बाद टेड विलियम एक बोर्ड लगाकर भीख मांगा करते थे। उस बोर्ड पर लिखा होता था, मेरी आवाज बहुत अच्छी और सुरीली है, और रात को पेट्रोल पंप के पीछे बने हुए एक टेंट में सो जाया करते थे। एक दिन क्या हुआ कि किस्मत से एक रिपोर्टर की नजर उस बोर्ड पर पड़ी और उन्होंने उस व्यक्ति की आवाज सुनने और उसका इंटरव्यू लेने के बारे में सोचा। रिपोर्टर को उसकी आवाज में दम लगा और उसने टेड विलियम का एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पर पोस्ट कर दिया। उसके बाद जो हुआ वो आपके ही नहीं, टेड विलियम और उस रिपोर्टर की कल्पना से भी परे था। यूट्यूब पर वह वीडियो तेजी से फैलने लगी और रातों रात लाखों लोग उसे जानने लगे। उसके बाद न्यूयॉर्क के एक टीवी चैनल ने टेड विलियम का इंटरव्यू लेने के लिए बुलाया और उसमें टेड विलियम को सेलेक्ट भी कर लिया गया। टेड विलियम ने इस चैनल के अलावा कई बड़ी कंपनियों के लिए विज्ञापन भी दिए और इस तरह सड़कों पर भीख मांगने वाला स्टार बन गया और अमेरिका के जाने माने लोगों में गिना जाने लगा, जिसके बाद उन्होंने अपने संघर्ष और सफलता के ऊपर एक किताब भी लिखी। ये कोई आम कहानी नहीं है, ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसके जीवन में जीने की कोई उम्मीद, कोई वजह ही नहीं थी, जिसके पास रहने का ठिकाना नहीं था, कोई डिग्री नहीं थी और किसी का सहारा नहीं था, लेकिन फिर भी ये इंसान सफल हुआ। इस इंसान के पास पॉजिटिव सोचने, चीजों को पॉजिटिव देखने का एक अच्छा गुण था। दोस्तों, जिंदगी हमें हर दिन, हर घंटे, हर सेकंड कुछ नया करने और आगे बढ़ने का मौका देती है, लेकिन हम उस मौके को अपनी नेगेटिव सोच के कारण गंवा देते हैं। हम हमेशा उन चीजों के लिए रोते हैं जो हमारे पास है ही नहीं, लेकिन जो हमारे पास है हम उन चीजों का उपयोग करके कुछ अच्छा और नया करने की कोशिश ही नहीं करते, और उसी कारण हम खुद को जीवन में असफल और दूसरों से पीछे पाते हैं। मुसीबतें सभी के जीवन में आती हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग सफल हो जाते हैं क्योंकि वो केवल अपनी मंजिल, अपने सपनों के बारे में सोचते हैं। अगर आप इतिहास के पन्ने पलटकर देखेंगे तो पाएंगे कि आज जितने भी लोग जीवन में सफल हुए हैं उनके जीवन में लंबे संघर्ष और सफलता की कहानी है। वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो या फिर सोने में गुजार दो। किसी ने सच ही कहा है कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो।